ट्यूटोरियल, और इस बार मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी AKM है वो नो स्कोप बेटर है, स्कोप में बेटर है, या कैसे इसे रिकॉइल करते हैं। तो सारी चीज़ें इस बार डिस्कस होंगी AKM के लिए कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है इसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, आप इस वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि AKM का फायर कैसे जाता है। अगर मैं इसके ऊपर रेड डॉट लगा देता हूँ तो मेरी यहाँ पे रेड डॉट मैंने लगा रखा है इसे, और मैं सबसे पहले इस पे दिखाता हूँ कि आपको अगर स्प्रे जाता है आपका सबसे पहला तो कैसा जाता है। सो रेड डॉट पे हमेशा आपका स्प्रे ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकली बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही अगर आप नो स्कोप कर देंगे अपनी AKM को तो आपका जो स्प्रे है वो रिड्यूस हो जाएगा, देखिए बहुत हद तक। देखिए नो स्कोप में आपका स्प्रे जो होता है स्प्रेड वो बहुत कम हो जाता है AKM में। सो आप इसलिए सारे लोग AKM को नो स्कोप यूज़ करते हैं। सो आप भी प्रेफर करें कि AKM को नो स्कोप यूज़ करें। और अब जो बात आती है कि आपका रिकॉइल होता है, सो मैं यहाँ ज़ायरो पे प्ले कर रहा हूँ और मैं आपको सेटिंग इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा अपने फ़ोन की कि AKM को रिकॉइल कैसे करते हैं। अभी आप देख लीजिए, सीधा एम करके अपने फ़ोन की जो एरिया सेंसिटिविटी होती है वो उससे थोड़ा ज़्यादा रखिए नो स्कोप पे, फिर यहाँ स्प्रे कर दीजिए। सो आपका यहाँ पे रिकॉइल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा कि आपकी गन कहीं जाएगी भी नहीं, और आप 100 मीटर तक इजीली स्प्रे कर पाएंगे। यहाँ AKM का स्प्रे देखिए बिल्कुल सीधा है। सो यही सब होता है आप AKM को अगर नो स्कोप करेंगे। और अगर कई लोग होते हैं कि 6x पे भी करते हैं तो इसी को 6 को 3 बना देते हैं और फिर सीधा स्प्रे कर देते हैं। सो ऐसे आप 6 पे भी स्प्रे कर सकते हैं AKM को आराम से, लेकिन थोड़ी थोड़ी मूव होगी, 2-4 शॉट इधर ज़रूर जाएंगे लेकिन सही जाएंगे आपके। अगर आपने ज़ायरो की सेटिंग सही कर रखी होगी तो आपका बिल्कुल एम पे जाएगा। सो थैंक यू गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन करिए अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए हो इसमें। तो थैंक यू गाइस।